रमजान के मुबारक महीने के बाद देश भर में ईद मनाई जाती है। इस पवित्र दिन में दुनिया भर के मुसलमान नमाज पढ़कर अल्लाह की इबादत करते हैं। इस मौके पर अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और जानने वालों को स्पेशल SMS, मैसेज और शायरी आदि भेजकर भी इसे खास बना सकते हैं। लॉकडाउन में ईद कैसे मनाए, किन बातों का ख्याल रखे, इसके हिदायत भंडारा जिले के मुफ्ती मोहम्मद साजिद इन्होंने दी है। आइए देखते हैं कि ईद आखिर कैसे मनाई जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। COVID-19 कोरोना वायरस की वजह से पिछले 2 महीने से हमारे मुल्क में पूरी तरह से लॉकडाउन चल रहा है, जिसके नतीजे में सभी होने वाले इज्तिमात मनसूख कर दिए गए। तमाम ही मज़हब की तमाम इबादत गाहें मुकम्मल बंद है। नमाज पढ़ने के लिए भी 4-5 लोगों को इजाज़त दी गई है। इसके अलावा बाकी लोग अपने अपने घरों में 2 महीने से नमाज़ें पढ़ते चले आ रहे हैं। रमज़ान का मुकद्दस महीना भी और इसकी तमाम इबादतें, तरावी की नमाज, जुमा की नमाज वगैरह भी हमने अपने घरों में ही अदा की है। अब चूँकि रमज़ान के ख़त्म पर ईद उल फितर का मौका है, ईद का दिन मुसलमानों के लिए एक बड़ा दिन हुआ करता है, एक खुशी का दिन भी है, अल्लाह की तरफ से मगफिरत के ऐलान किए जाने का दिन भी है। इसमें तमाम लोगों का आपस में एक साथ मिलना, ईदगाह में जमा होना, मस्जिद में जमा होकर नमाज अदा करने का एक मामूल चलता आ रहा है। लेकिन मौजूदा संगीन सूरत हाल के पेश नज़र ये सब करना मुमकिन नहीं है। चंद हिदायत इस सिलसिले में जहन में रखी जाए ताकि हम खुद को, माशरे को पूरी तरह से महफूज रख सकें। सबसे पहले तो ये कि मुल्क के तमाम उलमा इकराम ने और तमाम बड़ी तंजीमों ने और इदारों ने यह अपील जारी की है कि ईद की नमाज के लिए हम किसी जगह पर कोई भीड़ ना लगाए। हुकूमत की तरफ से जितने लोगों को मस्जिद में जाने की और नमाज़ पढ़ने की इजाज़त है, उतने ही लोग मस्जिद में जाकर नमाज अदा करें, बाकी लोग मस्जिद में ना जाएं। बाकी लोग नमाज कहाँ पढ़ें? उलमा ने, बड़े उलमा ने, तमाम इदारों ने इस बारे में मसाइल बयान किए। आप हजरात ने व्हाट्सएप के ज़रिए से उसको देखा कि अगर आपको मस्जिद में जाने का मौका नहीं मिल रहा है और आप घर में 4 मर्द लोग हैं तो आप अपनी नमाज अपने घर में जमात के साथ ईद की नमाज पढ़ सकते हैं। अगर 4 लोग नहीं हो पा रहे हैं तो आपके पास ऑप्शन मौजूद है, 4 लोग नहीं हैं तो 2 रकात या 4 रकात चाश्त की नफिल नमाज पढ़कर अल्लाह से दुआ कर लें। ईद का जो दिन है, खुशियों वाला, अल्लाह से मांगने वाला, ये आपको हासिल हो सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि नमाज से पहले भी और नमाज के वक़्त के बाद भी हरगिज़ ऐसा कोई काम ना करे कि जिससे हुकूमत के बनाए हुए कानून की कोई खिलाफ वर्जी लाजिम आती हो, और ऐसा कोई काम ना करे कि जो WHO ने और तिब्बी माहिरीन ने एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के लिए हमको बताया है वो हम ज़रूर इख्तियार करें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हाथ को और चेहरे को बार बार धोते रहे। ईद के दिन गले मिलने को कहा जाता है, लोग मिलते आए हैं, लेकिन अल्लाह के लिए इस बार इसको हम रोक दें। हाथ मिलाना, गले मिलना, भीड़ लगाना, दोस्तों के ग्रुप बनाना, पिकनिक पे जाना, एक दूसरे के घर पे जाके खुशियां बांटना, इस साल ईद के मौके पर हम हरगिज़ ऐसा ना करें। यही हमारे हक में, हमारे शहर के हक में, हमारे मुल्क के हक में बेहतर होगा। ईद की मुबारकबाद दूसरे तरीके से हम दे सकते हैं, फ़ोन के ज़रिए, मैसेजेस के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, वीडियो कॉलिंग के ज़रिए से हम खूब एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दें। इन तमाम खुशियों के मौके पर एक चीज़ को हम बिल्कुल ना भूलें, वो ये है कि हमारी इस खुशी के मौके पर हम उस गरीब, उस लाचार, उस मजबूर और बेरोज़गार को ज़रूर याद रखें कि जो लॉकडाउन की वजह से जिसकी रोज़ी चली गई, जिसके कारोबार बंद हो गए, आज उसके बच्चे भी भूखे हैं, उसके बच्चे भी परेशान हैं। इसलिए हमारी इस खुशी के मौके पर हम उसकी मदद करके उसको भी अपनी खुशियों में शामिल करें। इन तमाम हिदायत के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग हमारी इन गुजारिशात पर अमल करके मुल्क मिल्लत के हक में मुफीद तरीन साबित होंगे। इसी के साथ साथ मैं अपनी तरफ से
हमारी पूरी टीम तंजीम जमीयत उलमा हिंद मदरसा अरबिया तालीमुल इस्लाम और तमाम दोस्त अहबाब की तरफ से आप तमाम हजरात को ईद उल फितर की पेशगी मुबारकबाद देता हूँ। दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक हम सब को ईद की खुशियाँ और ईद की बरकत से मुस्तफ़ी फरमाए, हमारे मुल्क में अमान कायम करें और हमारे मुल्क से और ख़ास तौर से पूरी दुनिया से पूरी आलम इंसानियत से इस कोरोना वायरस वबा से मुकम्मल हिफाजत फरमाए। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज़ की रोजाना खबरों के लिए यूट्यूब चैनल वेबसाइट फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम पर लाइक कमेंट और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और गूगल प्ले स्टोर से बीएस क्राइम इंडिया न्यूज ऐप को डाउनलोड कर रोजाना खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें।